संक्षेप में। हरे कृष्ण हरे बोल। ओम ज्ञानतिमिरामुन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आददानं स्त्रीणं दन्तैरिदं जाचे पुनः पुनः श्रीमादुरूपपदं भोज धूलिश्यां जन्म जन्मनि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सब एक बार हाथ तुले बोलो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्री धाम ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते अभी जिस स्थान पर उपस्थित हुए हैं ये स्थान का नाम है टेर कदम्ब। कहते गुरुदेव जब ये ब्रजमंडल परिक्रमा करते थे गुरुदेव सब जगह में तो सबको निमंत्रण देते थे लेकिन विशेष करके ये स्थान के लिए गुरुदेव कहा करते थे भले ही कहीं आओ और मत आओ लेकिन जरूर ये टेर कदम्ब जरूर आना। गुरुदेव विशेष करके ये स्थान के लिए गुरुदेव सबको निमंत्रण करते थे। बोले कारण क्या? बोले कारण है गुरुदेव तो स्वयं रमण मंजरी होने का नाते जब तक श्री रूप गोस्वामी की ये भजन स्थली है रूप गोस्वामी यहीं पर भजन करते थे और भजन करते समय जब राधा कृष्ण की कोई विरहात्मक कोई पद्यों को लिखते थे उनकी लेखनी में इतने शक्ति होती थी पेड़ का जो पत्ता है ना वो भी विरह में सबके सब नीचे झड़ जाती थी। लेकिन जब राधा कृष्ण की कोई मिलन की कोई है कोई श्लोक लिखते थे वो श्लोक लिखते ही उनको लेखन में इतने शक्ति पेड़ में फिर हरे 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 फिर पत्ते आ जाते थे। इसलिए रूप गोस्वामी का लेखन की ये इतने शक्ति हैं। बोले गुरुदेव इसलिए यहाँ पर सबको सबको निमंत्रण देते थे हम सबके सब श्री रूपानुगो गौड़ीय वैष्णव है। अगर हमें कोई पूछे तुम्हारी क्या परिचय है हम एक ही परिचय देते हैं हम श्री रूपानुगो गौड़ीय वैष्णव हैं। और ये बात को बोल करके अपनी आप को बड़े गर्व अनुभूति करते हैं। बोले कारण क्या? बोले कारण है जितने हमारी गोस्वामी वर्ग हुए हैं सबके सब रूपानुगत्व को ही प्रार्थना की। जैसे श्री भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं बोले सुनिया छी साधु मोखे बोले सर्व जन श्री रूप कृपाए मिले जो गला चरण। ये भक्ति में ठाकुर कहते हैं बोले श्री रूप गोस्वामी की कृपा से ही राधा कृष्ण की जुगल की सेवा राधा कृष्ण की निकुंज की सेवा केवल रूप गोस्वामी की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर भी कहते हैं क्या कहते हैं रूप रघुनाथ पदे आई बे आकोते कबे हम बोझब से जो गला पिरी। इसलिए श्री नरोत्तम कहते कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब चैतन्य चरितामृत की हर लास्ट में क्या कहते हैं रूप रघुनाथ पदे रहुक मोर आस प्रार्थना करे सदा कविराज दास। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी वो भी रूप रघुनाथ की चरण की उन्होंने आस प्रार्थना करते हैं। बोले कारण क्या? बोले कारण है जब तक इनकी अनुगत्य को कोई स्वीकार नहीं करता है कभी भी राधा कृष्ण की निभृत निकुंज लीला में जिनको इनकी प्रवेश अधिकार नहीं है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मा का एक दिन में जो अनर्पित चरिंचिरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसांग स्वभक्ति श्रीयम जो उन्होंने राधा रानी की भाव की जो एक छटा देने के लिए जगत में आए थे जिस प्रेम के लिए ब्रह्मा शंकर नारद उद्धव भी जिस प्रेम के लिए तरसते हैं
श्री चैतन्य महाप्रभु आकर के श्री रूप गोस्वामी की अनुगत्य में उन्होंने क्या किया, वो दुर्लभ प्रेम को उन्होंने मुक्त हस्त में उन्होंने सभी को उन्होंने प्रदान किया है। इसलिए सबके सब श्री रूपानुगत्य को ही प्रार्थना करते हैं। इसलिए महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी को कहां पर बोले प्रयाग में ही, अभी सिद्धांत महाराज भजन गा रहे थे ना, जम कली रूप शरीर न धारत तम ब्रज प्रेम महानिधि कुठरी को कौन कपाट उघाड़त। गुरुदेव यहीं पर आकर के ये भजन को बड़े सुंदर रूप में हर साल बड़े सुंदर रूप में व्याख्या करते थे। अगर श्री रूप गोस्वामी जगत में नहीं आते तो वो महानिधि कुठरी का कहते जो भंडारा वो बंद था, लेकिन महाप्रभु श्री प्रयाग में श्री रूप गोस्वामी के हृदय में सब कुछ उन्होंने शक्ति संचार किया। इसलिए गुरुदेव उदाहरण देते थे जैसे पिताजी की कोई अथा संपत्ति, लेकिन ट्रेजरी का जो चाबी है ना वो सबको नहीं देते हैं, वो प्रिय पात्र को ही प्रदान करते हैं। इसलिए प्रयाग में महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी के हृदय में समस्त सिद्धांत तत्वों को उनके हृदय में उन्होंने प्रकाशित किया, और प्रकाशित करते हुए विशेष करके इन्होंने जो महानिधि कुठरी का जो बंत था, गुरुदेव कहते विशेष करके उसमें दो दरवाजा है, विशेष करके उन्होंने दो विशेष ग्रंथों को उन्होंने रचना की। पहला ग्रंथ तो भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति रस का जिसमें जिसमें भक्ति रस संपूर्ण रूप में भरा हुआ है, इसलिए हर रस का विवेचना की। पहले दूसरा जो कपाट था ये उज्ज्वल निर्मणि नीलमणि ग्रंथ है, जिसमें केवल रूप गोस्वामी कहते हैं ये ग्रंथों को दूसरे संप्रदाय का व्यक्ति मत पढ़ा करो, वही व्यक्ति पढ़ा करो जिनको श्रृंगार रस में विशेष करके राधा रानी के चरण की सेवा पाने की जिसकी इच्छा, वही व्यक्ति ये ग्रंथ को अवलोकन करना पढ़ना, नहीं तो रूप गोस्वामी मना कर देते ये ग्रंथ को नहीं पढ़ना। इसलिए उन्होंने विशेष करके ये दो ग्रंथ को रचना करते हुए हमारे गौड़ीय वैष्णव को जो झंडा उन्होंने फहराया, अभी तक जगत में ये काम को किसने नहीं कर पाए। इसलिए जब तक इनकी अनुगत्य नहीं की जाती है बोले तब तक राधा कृष्ण की निवृत निकुंज सभा में अधिकार नहीं। इसलिए श्री श्री विलाप कुसुमांजलि में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कारण किया है हम ये रूपानुगत को क्यों प्रार्थना करते हैं, ये रूपानुगत में है क्या चीज जिसके लिए ब्रह्मा शंकर भी जो वस्तु को पाने के लिए तरस नहीं, बोले उन्होंने कहते हैं बोले प्राण प्रेष्ट सखी कुलादपि कील असंचकित भूमिका, बोले जिस निभृत निकुंज कुंज में ललिता विशाखा आदि सखियां भी जिस कुंज में प्रवेश करने के लिए वो संकोच बोध करते हैं, संकोच बोध करते हैं, और जिसको प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं जत किंकरी सु बहु सौ खलुकाक वाणी नित्यम परस पुरुषस्य शिखंड मौले जस्याकदा रसनिधे वृषभानुजाया तत केली कुंज भवनांगनी मार्जनी श्याम, जिस राधा रानी की चरण की सेवा को प्राप्त करने के लिए दूसरे जीव की बात छोड़ दो, जहां पर स्वयं परात पर तत्व भगवान कृष्ण भी जिस कुंज में प्रवेश करने के लिए जिस मंजरियों को आश्रय लेना करना पड़ता है, भगवान को भी आश्रय लेना पड़ता है। इसलिए जो रूप गोस्वामी का ये भजन कुटीर है, यहाँ पर गुरुदेव इसलिए यहाँ पर बुलाया करते थे, यहाँ के भाव को जीव को समझ में आए और इसी भाव को प्राप्त करने के लिए जीव साधन भजन करे, उनके हृदय में लोभ उत्पन्न हो। इसलिए गुरुपाद व्रत में सभी को यहीं पर निमंत्रण देते थे जरूर यहाँ पर आना। और ये जो स्थान टेर कदम्ब, बोले टेर कदम का नाम का क्यों पड़ा, बोले कारण है टेर मतलब होता है बुलाना, कृष्ण यहीं पर उन्होंने गैया चराने के लिए यहीं पर आते थे, गैया को यहीं पर छोड़ देते थे, जब वो वापस जाना चाहते थे अभी उनको पास में भी एक माला था, हम भी तो माला जप करे तो उनको पास में एक माला था 108 मोती की, मतलब क्या उनको सो गैया की ग्रुप थी, उसमें देखते थे कौन सा गैया आई नहीं आई, जब कोई नहीं आए ना पेड़ गोबर में चढ़ करके कृष्ण क्या करते थे, कृष्ण वो गैया का नाम लेकर के फुकारा करते थे, ए नाम लेते ही गैया तो एकदम पूछ खड़े करके भागते भागते यहाँ पर आते थे। कभी कभी किसी गैया का अगर नाम ले ले, अगर दूसरे गैया का नाम नहीं ले, दूसरी गैया कभी कभी मान कर लेती है, कहते कृष्ण तो मेरा नाम लिया, इनका नाम लिया ही नहीं मान, फिर कृष्ण उसको भी नाम धवली श्यावली स्पृष्णा ऐसे बोल कर कृष्ण टेर लगाया करते थे, बुलाते थे। कभी कभी यहीं पर उन्होंने
कदम वृक्ष के ऊपर चढ़ करके बोले जगौ कलौ बाम दृशा मनोहरा। कभी कभी उन्होंने क्लिंग शब्द फुकारा करते थे, क्लिंग शब्द तो बोलते थे लेकिन हर गोपियां अपना अपना नाम को ही हर गोपियां सुनते थे, कृष्णा मुझे बुलाया करते हैं, इसलिए स्थान का नाम तेर कदम। यही से ही कृष्णा आज आज लीला होगी, सारे ब्रजवासी यही से ही कृष्णा उन्होंने गोचारण शुरू किया था। पहले तो बछड़ा चराया करते थे लेकिन जो वही बछड़े बड़े हो गए ना, अभी कृष्ण को छोड़ करके जाना नहीं चाहते थे, इसलिए यहीं पर आ करके श्री कृष्ण बलराम यहीं से आ करके फिर गैया को यहीं से ही चराया उन्होंने करते थे, इसलिए आज ये लीला होगी। और यहीं पर ही कहते राधा रानी इधर जावट है और इधर नंदगाम है, जटिला कुटिला को मैया जसोदा लोभ दिखा करके अलंकार कपड़े को भेज करके बोले तुम्हारी बहू को मेरे कृष्ण की रसोई बना करने के लिए भेजो, इसलिए यहीं से ही इधर जावट से ही यहाँ पर राधा रानी अपना सखियों को साथ में जाया करती थी नंद भवन में रसोई बनाने के लिए। जब जाती थी कृष्ण को तो, क्योंकि कृष्ण को साथ में तो शादी नहीं हुई, कृष्ण को तो खड़े होकर देख नहीं सकती, राधा रानी क्या करती थी जान बुझ करके अपना गले के जो हार है ना वो हार को तोड़ देती थी, तोड़ देने पर उसका मोतियां गिर जाती थी और राधा रानी बहाना बना करके एक एक मोती को उठाती थी और कृष्ण को दर्शन करती थी, एक एक मोती को उठाती थी कृष्ण दर्शन करती थी। और कृष्ण क्या करते थे गैया का जो स्तन है ना उस स्तन को इसे पकड़ करके बड़े जोर से दूध की धार को राधा रानी के मुंह के ऊपर मारते थे और मारने पर राधा रानी का संपूर्ण मुंह एकदम दूध दूध से भर जाती थी और राधा रानी भी इसको बहाना बना करके एक एक मोती को उठाती थी और श्याम सुंदर के मुख कमल को दर्शन करती थी। यहीं पर श्री रूप गोस्वामी जब भजन करते थे पास में श्री सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर, कभी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को पास में, सनातन गोस्वामी कभी रूप गोस्वामी को पास में आते थे और आ करके आपस आपस में हरी चर्चा करते थे। एक दिन यहीं पर आ करके आपस आपस में हरी चर्चा करते थे, जब हरी चर्चा कर रहे थे उसी समय में, इसलिए कहते ना मत कथा मत गता चिंता बधयन्ते परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुसन्ति च रमन्ति च। कृष्ण अपना भक्तों का गुण बताते, मेरे भक्त करते हैं कि आपस आपस में, बोले आपस आपस में मत कथा मत गता चिंता बधयन्ते परस्परम, आपस आपस में केवल हरि चर्चा ही करते हैं। जब हरि चर्चा कर रहे थे अभी रूप गोस्वामी सोच रहे हैं सनातन गोस्वामी बड़े दिनों में आए, भैया का जरूर कुछ भोजन करानी चाहिए। बोले क्या भोजन कराए, बोले सनातन गोस्वामी को खीर बहुत प्यारा लगता है, होता हम खीर बनाए। अभी घनाघोर जंगल, अभी भी देख रहे हो जंगल, उस समय तो घनाघोर जंगल और कुछ था ही नहीं, केवल दो चार घर था केवल नंदगांव में, अभी दो चार केवल घर था, अभी कहां पर उनको खीर खिलाए। लेकिन भगवान क्या करते हैं, कृष्ण कहते हैं ना अनन्नश्चिन्तयन्त माम जे जनाः परजुपासते तेसांग नित्याभिजुक्तानां जोगाख्यं वहाम्यहम्। कृष्ण की ये बहुत बड़ी प्रतिज्ञा, क्या प्रतिज्ञा, जो अनन्य रूप में मेरे चिंतन करते हैं, घर में जो चीज नहीं मैं सर पर रख करके पहुंचाता हूँ, घर में जो चीज हो मैं स्वयं एक दरवान बनकर वो चीज को मैं रखवाली करता हूँ। मानो यहाँ पर राधा रानी ब्रज की देवी तश्री राधा रानी, क्योंकि राधा रानी अत्यंत दयालु, राधा रानी अत्यंत कृपालु, जो मूल माँ है ना वो श्रीमती राधा रानी है, जैसे बच्चे को माँ उनको खिलाती पिलाती रक्षा करती हैं, अभी राधा रानी इनके अंदर में देखा ये हमारी चर्चा कर रहे हैं। राधा रानी छोटी बालिका बन करके आ गई, बोले बाबा बाबा ये दूध, हाँ बाबा बाबा आ गए हैं, हमारी श्री गोपी आ गई, बोले बाबा बाबा लो ये दूध लो और ये चीनी लो, काजू किशमिश लो और खीर बना कर खिला देना। और ले आई राधा रानी, ले आई, ताली बजाओ राधा रानी के लिए, देखो राधा रानी कैसे खीर लेकर के आई है। इतने में लेकिन दोनों भाई तो कृष्ण कथा में मस्त थे, बोले लाली कोई चिंता मत करो तुम जाओ, हम खीर बना करके हम खा लेंगे। ए गौर प्रेमानंदे क्या ले आए,
दिया, पकौड़ा भी दे दिया। अरे महाराज, राधा रानी पकौड़ा भी आपके लिए भेजा। महाराज जी कितने पकौड़े ले आए? बहुत पकौड़ा चाहिए महाराज। तुम्हारा लिए उधर उधर। हाँ, सभी के लिए पीछे भी व्यवस्था है। जाते महाराज के तो कोई धक्का मुक्की करना नहीं, और प्रेम से खीर और महाराज जी पकौड़ा हर साल हम लोगों के लिए बना करके महाराज रखते हैं। क्योंकि राधा रानी की कृपा पात्री है ना यहाँ पर, पकड़ने के लिए पकौड़ा। बैठ जाऊँ? हाँ बैठ जाओ। इसलिए बोले कल चिंता मत कर, हम बना करके हम खा लेंगे। लेकिन इनके अंदर के हरि कथा इनकी समाप्त तो नहीं हो रही है। फिर राधा रानी घूम घाम करके आ गई, बोले बाबा चिंता मत करो, मैं खुद बना देती हूँ। उनने फटाफट, राधा रानी तो सर्व लक्ष्मी भाई, फटाफट खीर बना कर रख दिए। बड़े देर में कथा विश्राम हुई। रूप गोस्वामी बोले कोई खीर बना कर गई, ठाकुर जी को खीर बनाए। और जब सनातन गोस्वामी को खीर दिया ना, जीवन में तो बहुत खीर खाए, लेकिन जो खीर को राधा रानी स्वयं बनाए, वो अमृत हस्ता भोग लगाए रूप गोस्वामी को, लगाए किसको? बोले गोविंद को भोग लगाए। बताओ वो खीर में कितने स्वाद नहीं होगा। सनातन गोस्वामी खा करके रोम रोम खिली उठा, आंखों से आंसुओं की झरी बहने लग गई। बोले रूप, तुमने मन में तो कोई इच्छा नहीं की थी? बोले हाँ भैया, मैंने इच्छा की थी, आप बड़े दिनों में आए हो, अगर थोड़ी खीर होता तो खिलाता। बोले रूप, ये घनाघोर जंगल में तुम्हारी भावना को कौन समझेगा? कौन यहाँ पर खीर बनाकर जाएगा? वो जो लाली थी ना, वो कोई साधारण नहीं, वो स्वयं श्री राधा रानी थी। बोले श्रीमती राधा रानी की। बोले खा करके देखो खीर में कितने स्वाद है। तब श्री रूप गोस्वामी बोले हे किशोरी जो, कहाँ आपकी सेवा करनी चाहिए, कहाँ आप स्वयं आकर के हमारे लिए सेवा करके गए, माफी मांगे। इसलिए ये स्थली संपूर्ण रूप में कृष्ण लीला की दिव्य महाप्रभु भक्तों की दिव्य स्थली है, जहाँ पर उनकी चरण धूलि को द्वारा अभिषिक्त स्थान। हम लोग गुरु वैष्णव अनुगत्य में यहाँ पर आए, हम सारे भक्त लोग हम सबको ऊपर में कृपा करे। रूप गोस्वामी जो चीज देना चाहते थे, उसकी छिटा पुटा अगर हमारे शरीर में लग जाए, फिर तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। वंशा कलम दुर्भ्य कृपा सिंधु भाई बच्चा पतिता नंग पावन भो वैष्णव भो नमो नमो।